अपनी डायरी में ये निशान बना दीजिए मात्र। डायरी नई होनी चाहिए, इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है मात्र। उसके बाद ये सब चीजें भी होंगी आपके प्रेम में और आपके रिश्ते में, आपके संबंध में। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कर रहे हैं तिथि पत्रिका, नाम बड़ा है, पंचांग समझते होंगे आप तिथि पत्रिका समझते होंगे आप दैनिक दिनचर्या समझते होंगे, जो दिन पटलिका होती है आप इस नाम से हो सकता जानते हो सकता है आप कैलेंडर के नाम से जानते हो सकता है आप चिंताहरण जंत्री और पता नहीं क्या 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 उन सब नामों से जानते हो। कहने का सीधा मतलब है जिसमें डेट और मंथ कैलकुलेट किए जाते हैं। कहीं पर आप अपने मिल्क वाले का हिसाब लिखते हैं, कहीं पर रोज उधार लेना देना ऐसा कुछ लिखते हैं। बहुत बार देखा गया है कि घरों से पुरानी डायरियां और पुराने कैलेंडर तिथि पत्रिकाएं उठाकर बाहर नहीं की जाती, कितने कितने सालों के भी कहो टंगे होंगे, और पता है उसी में सारी की सारी गणित लगी हुई होती है। बहुत सारे अभी तो पंचांग ऐसे आने लग गए जिसमें बाकायदा उसका कालम दिया जाता है। शास्त्रीय पद्धति के आधार पर ऐसा निषेध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर तिथि पत्रिका है वहां पर कुछ और लिखना निषेध है। कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट इत्यादि नीचे डाल देते हैं बड़े बड़े ताकि उनसे पैसे लिया जा सके, ये सब भी गलत है। तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च, किसी ने पूछा इसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसका पंचांग नाम है तो क्या पांच ही कोई चीजें होती हैं, तो बोले हाँ सिर्फ पांच चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, बोले तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च, ये सिर्फ पांच चीजें इसमें लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जितनी भी इससे संबंधित चीजें तो लिखी होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तो एक तो इस आदत से तौबा कीजिए। कैलेंडर में ऑप्शन दिया है तो भी मत डालिए, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन नहीं आपका मंगल खराब करता है। आपके घर में दरिद्रता बढ़ने लगती है, विवाद झगड़े फसाद। कहा जाता है कुछ महीने कुछ तारीखें आपकी ऐसी हो सकती हैं जो आपके अपने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मैच करती होंगी, तलाक तक के भी कारण बन सकते हैं। ऐसे ही जो पुरानी चीजें लालच में आपने रखी हैं, वास्तु कहता है कि घर में पुरानी चीजों को रखने से निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिन लोगों ने अपने हिसाब किताब पुरानी डायरियों में रखे हैं उनसे निवेदन है या तो उसके साल और ईयर्स हटा दे, कट करा दे, उतना पोर्शन कट कर दीजिए, उसको बुक बना लीजिए, नॉर्मली रहने दीजिए, कोई डायरी वायरी नहीं होती, बुक बनाइए उसको नॉर्मल, ऊपर से कट करा दीजिए। वो बुक्स वालों के पास बड़ा कटर होता है, उससे वो कट काट देते हैं, आप खुद ही कैंची से कतर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, रफी तो यूज कर रहे हो, तुम्हें किसको दिखाना है। नई डायरियां या तो इस्तेमाल करें या तो अपनी एक 10-5 रुपया खर्चा करके एक बुक खरीद लीजिए, उसमें लिखना शुरू करिए। आज सुंदर सुंदर बुक्स भी आती हैं, है ना, उसको आप खुद भी सुंदर बना सकते हो घर में। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस वर्ष का जो काम हो, वर्ष पूजा जाता है बनियों के घर में, हाँ, हर वर्ष का एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, हर वर्ष की एक परंपरा होती है। ये सब बातें हम फिर कभी बताएंगे, कहने का मतलब ये सब ना करें। क्यों नहीं करें वो थोड़ा बताने की कोशिश की, बहुत बहुत सारी बातें इसमें और बताने की है। आज तो मैं ये कह रहा हूं नई डायरी में, नए कैलेंडर में, नई तिथि पत्रिका में ये निशान बनाना है। केवल क्या करना है, जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहां पर आपको एक, जैसे चांद बनता है बिल्कुल ऐसे चांद बना के, ऊपर चांद और नीचे सूरज, मैं आपके कुंडली की एक अद्भुत व्यवस्था का सूत्रपात कर रहा हूं। ऊपर चांद आधा चंदा और नीचे सूरज, चांद के अंदर नहीं, मतलब ऐसे चांद बनाया और इसके ऊपर सूरज रख दिया, ना ना वो वाला नहीं, चांद यहां सूरज यहां, चांद ऊपर सूरज नीचे, ठीक है, रात्रि और दिन। एक सूत्र है, सूर्य चंद्र तनु नलखे
लग्न पुलखे न लग्न सो जातक के जीवन में नहीं मिलेगा प्रेम। ऐसा भाव है, ऐसी मर्यादा है, तो आपको उस मर्यादा को यहां से संलग्न करना है। पहले ऊपर चंद्रमा, नीचे सूरज बना देना है। ये हो गई शुरुआत की डेट। अब जो आपने अंत की डेट दिया है, इस बीच में हो जाना चाहिए। वहां पर आपको एक तिकोना बनाना है, यानी मंगल तीन कोने, जैसे झंडा होता है ना तीन कोने का, आगे पतला और फिर इधर मोटा, इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ, आई थिंक लाइक दैट, कुछ ऐसा, यस, इस तरीके का कुछ, तीर के जैसा, ऐसे भी कह सकते हो ऐसे। पर ध्यान रहे कि तीर का मुख लेफ्ट साइड में आपके होना चाहिए, वो फ्लैट वाली लाइन सीधी इधर, थोड़ा नीचे की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ, ऐसे तीर का जो मुख है वो लेफ्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए। मंगल और आठ कोने का एक गोला तो बनाना है, पर वो गोला गोल नहीं होगा, उसमें आठ लाइनों से गोला बनाइएगा। अब जो आपने गोला बनाया उसमें हल्दी लगा दीजिए, जो आपने मंगल बनाया है उसमें रोली लगा दीजिए, और पीछे वापस आकर के सफेद चंदन चंद्रमा पे लगा दीजिए और लाल चंदन सूरज पे लगा दीजिए। अब ये काम आपको निरंतर उतने दिनों तक रोज का रोज करना है। ये चार टीके हर दिनों में चार प्रहरों में, इसको अलग अलग भी लगा सकते हो और एक साथ भी चारों के चारों पहरों का लगा सकते हो। बस ये रखते जाए और अपनी सेम मान्यता को बोलते जाए। दुनिया में ये ऐसा अद्भुत चमत्कारी प्रयोग है, आज तक फेल नहीं हुआ। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इत्यादि सब इसी उपाय की वजह से बने हैं। आदिकाल में आज से कई हजार लाख साल पहले इन सब पद्धतियों को किया जाया करता था। इन सब पद्धतियों को बहुत मान्यता दी जाया करती थी। पहले तो लोग ये छोटी छोटी चीजें ही तो करते थे, उसी से अपना जीवन ठीक कर लिया करते थे। करके देखिए, ये ऐसा अनुभूत, ऐसा जाना परखा उपाय है कि इसमें कभी फेल नहीं हुआ कोई। आपको 100% लाभ हो, आप हमेशा बेहतर चले। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर हाल में बेहतर रहो। आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, प्रीवियस लाइफ बताना, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना बंद कर दो, क्योंकि सिर्फ इसी वजह से काम नहीं होते, बाकी सब तुम्हारा पक्ष में है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन कलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, जहां पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है, जिसका नाम LWA है। ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों में फैली खुशी की लहर, मध्य प्रदेश में बहेगी शिव शक्ति की अमृत जलधारा। चैत्र मास के पावन महीने में प्रेम मूर्ति सर्व सुखदायक कल्याणकारी परमेश्वर महादेव के विशेष कृपा पात्र परम शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा की होगी अमृत वर्षा। दिनांक 18 अप्रैल से 24 अप्रैल गृह क्लेश, पितृदोष, मानसिक समस्या एवं कर्ज से मुक्ति के लिए अवश्य करें कथा का श्रवण। कथा स्थल है शिवधाम देवरी कला, गुलतरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम के मुख्य यजमान है भगवान दास नेमा एवं अंजना राजेश नेमा, गणेश स्वीट्स परिवार। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 पर या फिर 6391292929 पर।